अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं शवरमा की ब्रेड। तो चलिए, इसके लिए हमने लिया है ये एक चम्मच हमारे पास नमक खाने वाला, और एक चम्मच लिया हमने शुगर, मोटी चीनी है फ्रेंड हमारे पास, और एक चम्मच से ज़्यादा है बेकिंग सोडा। तो इसको हम पानी डाल के थोड़ा सा घेर देते। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना ये जो मैंने आपको दिखाया था ये मैंने सब मिक्स कर लिया। मैं आटा गूंद के आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका आटा गूंद लिया। इसको हम ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो देखिए फ्रेंड, हमारा आटा जो है ये हो गया। इसके हम पेड़े काट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमें इतना बड़ा पेड़ा चाहिए। इसको मैं अच्छे से बेल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये रोटी बेल ली। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर मैंने तवा चढ़ा दिया, इसमें रोटी डाल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इसमें बबल्स आ रहे हैं अच्छे से, छोटे छोटे बबल्स दिख रहे होंगे आपको। तो हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है फ्रेंड्स, इसे हल्का सा सफ़ेदी रहती है वैसे ये रोटी। तो इसको हम पलट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का सा हमें चाहिए फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी आधे किलो आटे में 10 रोटी बनी है शवरमा रोटी, और ये बहुत अच्छी और मुलायम बनी है फ्रेंड्स। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।